नमस्कार, मैं हूँ उत्सवी पांडे और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए अपना अभिभाषण दिया, जिसमें उन्होंने सरकार की नीतियों की रूपरेखा जनता के सामने रखी। उन्होंने किस बारे में क्या क्या कहा, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए अगले 5 सालों के लिए नई सरकार के रोडमैप की रूपरेखा सामने रख रही थी। बता दें कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र जारी है, सभी नव निर्वाचित सदस्य शपथ ले चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी नव निर्वाचित सांसदों को बधाई दी। उन्होंने देश में सफल चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग को भी बधाई दी और देशवासियों की तरफ से चुनाव आयोग का आभार जताया। राष्ट्रपति ने कहा कि जनता ने लगातार तीसरी बार सरकार पर भरोसा जताया है और मेरी सरकार का निरंतरता से विश्वास रखा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में आपातकाल का भी जिक्र हुआ। उन्होंने कहा, संविधान पर अनेक बार हमले हुए हैं, आपातकाल के समय देश में हाहाकार मच गया था। उन्होंने आगे कहा कि एक सशक्त भारत के लिए हमारी सेनाओं में आधुनिकता जरूरी है। युद्ध की स्थिति में हम सर्वश्रेष्ठ बने रहें, इसके लिए सेनाओं में सुधार की प्रक्रिया निरंतर चलती रहनी चाहिए। इसी सोच के साथ पहली सरकार ने पिछले 10 सालों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पिछले एक दशक में हमारा रक्षा निर्यात 18 गुना बढ़कर 21,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश के किसानों को 3,20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान की है। मेरी सरकार के नए कार्यालय की शुरुआत से अब तक 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों को हस्तांतरित की जा चुकी है। सरकार ने खरीफ फसलों के लिए MSP में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है। आज का भारत अपनी वर्तमान ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए अपनी कृषि व्यवस्था में बदलाव कर रहा है। आजकल दुनिया में जैविक उत्पादों की मांग तेज़ी से बढ़ रही है। भारतीय किसानों के पास इस मांग को पूरा करने के लिए पूरी क्षमता है, इसीलिए सरकार प्राकृतिक खेती और इससे जुड़े उत्पादों की सप्लाई चेन का सशक्त कर रही है। राष्ट्रपति ने अभिभाषण में पेपर लीक का जिक्र भी किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी सज़ा दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। पहले भी कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं। इस मामले पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की ज़रूरत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह भी कहा कि देश में 6 दशक के बाद पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार बनी है। लोगों ने इस सरकार पर तीसरी बार भरोसा जताया है। लोग जानते हैं कि सिर्फ यही सरकार उनकी आकांक्षाओं को पूरा कर सकती है। 18वीं लोकसभा कई मायनों में ऐतिहासिक लोकसभा है। इस लोकसभा का गठन अमृतकाल के शुरुआती वर्षों में हुआ था। यह लोकसभा देश के संविधान को अपनाने के 56वें वर्ष की भी साक्षी बनेगी। आगामी सत्रों में यह सरकार अपने कार्यालय का पहला बजट पेश करने जा रही है। यह बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और भविष्य के विजन का प्रभावी दस्तावेज होगा। बड़े आर्थिक और सामाजिक फैसलों के साथ साथ इस बजट में कई ऐतिहासिक कदम भी देखने को मिलेंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की विकास गति को तेज़ किया जाएगा, ग्रोथ की निरंतरता हमारी गारंटी है और आने वाले बजट में ऐतिहासिक कदम दिखेंगे। किसानों का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा, किसानों को 20,000 करोड़ ट्रांसफ़र किए गए, हम किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह भी कहा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था। करीब 64 करोड़ मतदाताओं ने उत्साह और उमंग के साथ अपना कर्तव्य निभाया है। इस बार भी महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा लिया और इस चुनाव में बहुत सुखद तस्वीर जम्मू कश्मीर से भी सामने आ रही है, जहाँ पर कश्मीर घाटी में वोटिंग के अनेक दशकों के रिकॉर्ड टूटे हैं। इसी प्रकार तमाम जानकारियों के लिए आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।